खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है। आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले खयानत करते हैं, क्या कोई रुकन भी डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 ए की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कौन सा मुकदमा मुकर्रर होना है, किस बेंच में मुकर्रर करना है, ये फैसला मैं करता हूँ, चीफ जस्टिस का दो टोक अंदाज। फुल कोर्ट रेफरेंस में खिताब के दौरान कहा, मुझसे किसी को तकलीफ है तो आकर बात करे, इदारे की बातें बाहर करने की जरूरत नहीं होती, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, फैसलों पर तनकीद करें जजेस की जात पर नहीं। कौमी असेंबली इजलास बगैर किसी कार्रवाई के 28 मार्च तक मुलतवी, स्पीकर कौमी असेंबली कहते हैं तहरीक अदम एतमाद पर आइन और कानून के मुताबिक अमल करूंगा। ऐवान के बाहर अपोजिशन की तनकीद, शहबाज शरीफ बोले स्पीकर ने आज कानून को पैरों तले रोन दिया, अगर पीर को कोई गैर आइनी अमल हुआ तो हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। ये स्पीकर, इसने पाकिस्तान की तारीख में, पार्लियामान की तारीख में एक ऐसा किरदार, घनौना किरदार अदा किया है जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। आप वो हरकत थर को हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सकें। आपके सामने पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, हम मुतहद हैं और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुकाबले से भाग रहे हैं, हम उन्हें भागने नहीं देंगे, बिलावल भुट्टो कहते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली इमरान खान के सहूलतकार बन गए, अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार है, हम उनसे जमहूरी इंतकाम लेंगे, अगला वज़ीर-ए-आज़म इलेक्टेड होगा। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर सियासी कमेटी की बैठक बुला ली, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत, अदम एतमाद के हवाले से भी गुफ्तगू। MQM आइंदा 48 घंटे में अहम फैसले का ऐलान करेगी, वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं राबता कमेटी का फैसला मानने के पाबंद हैं, कभी भी ओहदों की लालच नहीं की, MQM हमेशा कारकुनों की सोच के साथ खड़ी है। जुनूबी पंजाब सूबे का क़याम, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आईनी तरमीमी बिल स्पीकर को पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुनूबी पंजाब सूबे का क़याम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है, अपोजिशन को आज एक सरप्राइज़ मिला है, तैयारी कर लें, अगला सरप्राइज 27 मार्च को मिलेगा। इस हुकूमत के पास सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, जहां तुम्हारा राबता था वहां से जूते मार कर निकाला जाएगा, राणा सनाउल्ला की खरी खरी बातें, दावा किया कि ऐवान में आज ऑपोजिशन की हाजिरी मुकम्मल थी, 159 अरकान मौजूद थे, आज हमारा मजमूई नंबर 172 से ज्यादा था, हुकूमत को खबर हो चुकी होगी। बिलावल और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस से बाहर आते हुए लिफ्ट में फंस गए, कुछ देर लिफ्ट में फंसे रहने के बाद दोनों बाहर निकल आए, इसका इल्जाम भी हुकूमत और नैब पर धर दिया, बिलावल भुट्टो कह कहे लगाते रहे। चेयरमैन साहब, ये साजिश तो नहीं थी? नैब ने जी गठजोड़। लंपी स्किन बीमारी गाय बैलों के बाद भैंसों में भी फैल गई, सिंध भर में भैंसों के लंपी स्किन केसेस सामने आ गए, महकमा लाइव स्टॉक की तस्दीक।